देखिए चैप्टर है 3.3 और क्वेश्चन है तीसरा का चौथा ना। सवाल है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े का अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है, देखिए ऐ देखिए बाहर में जब आप जाइएगा तो वहां पर टैक्सी का भाड़ा इसी हिसाब से लिया जाता है। टैक्सी समझ रहे हैं आप लोग, ऑटो। चलिए, मैंने कहने का अर्थ है कि वैसी गाड़ियां जिसको सवारी गाड़ी के रूप में यूज किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में जाइएगा तो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आपको रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड के बाहर खड़ी मिलेंगी। आपको जहां जाना है उसमें बैठिए, लेकिन बैठने से पहले नियम समझ लीजिए। आई बात समझो ना, वो भाड़ा कैसे लेता है? तो दो तरह का भाड़ा है, एक है नियत भाड़ा और एक होता है प्रति किलोमीटर भाड़ा। फिल्म में भी सब आप लोग कई बार देखे होंगे, लेकिन आप लोग को यह बात नहीं समझ में आता है कि नियत भाड़ा कौन है, अतिरिक्त भाड़ा कौन है, जब प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, मान लीजिए कि इधर आइया भाई साहब, गए हैं एक बार बाहर, ठीक है, किसी शहर में गए थे। कहाँ गए थे आप बताइए? आज जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकले हैं तो बाहर निकलने के बाद बहुत सुंदर एक कार इनको दिखाई देता है। आई बात समझ में ना, बोलिए। एम्बेसडर कार है। हाँ, किधर है? बाहर गए थे तो गाड़ी वाला से पूछे कि भाई हमको किसी जगह का नाम रख दिए, मान लिया बम्बई गए हैं, कह रहे हमको अंधेरी जाना है। कहाँ जाना है आपको जी? अंधेरी। अरे सब उजाले में जाता है, आप अंधेरी में जाते हैं। इनको अंधेरी जाना है तो गाड़ी वाला बोला ठीक है, फिक्स प्राइस जो है वह 10 रुपया है और प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपका भाड़ा लगेगा 5 रुपया। समझे? तो अब जहाँ भी जाएंगे दोनों भाड़ा जोड़ कर लिया जाएगा। मतलब इस बात से थोड़ा सा उधर हटिए, इस गाड़ी का टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा क्या है पहले आप यह समझ लीजिए। नियत भाड़ा ये फिक्स है, आप कितना ही दूर जाइए उससे मतलब नहीं है। ठीक बात, तू कहीं जा उससे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन अगर फिक्स भाड़ा 20 रुपया है ना, तो आप 10 किलोमीटर जाइए आ चाहे 20 किलोमीटर जाइए चाहे 200 किलोमीटर जाइए, आपको 20 रुपया हर हाल में देना है। आई बात समझ में ना, इतना हर हाल में आपको देना है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है समझिएगा आप लोग, यह क्या है? आज जैसे मान लीजिए लिख दिया है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वह 5 रुपया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जय किलोमीटर आप जाइएगा उस सब जोड़ करके 1 किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए का रेट जोड़ देगा, और जोड़ करके इसको और नियत भाड़ा दोनों को जोड़ करके तब ले। बस समझ गए ना, दो तरह का भाड़ा इंक्लूड रहता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए बाबू अंधेरी गए, मान लीजिए गए हैं 20 किलोमीटर, कितने किलोमीटर का है 20 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लग रहा है? 20 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 100 रुपया। ठीक है, और नियत भाड़ा ही तो हर हाल में उनको देना है, वो हो गया 20 रुपया। अर्थात इनका भाड़ा कितना लग जाएगा? 120 रुपया। समझ गए ना, तो इसी प्रकार से जैसे आप लोग फिल्म में देखे होंगे सिर्फ तुम फिल्म में, बहुत लोग देखे होंगे सिर्फ तुम खूब चलता है ना, उसमें ज्यादा टैक्सी दिखा रहा है, टेम्पू दिखा रहा है जाते हुए, उसमें देखिएगा ज्यादा जहाँ कहीं भी जा रहा है ना आगे उसका मीटर में डाउन हो जाता है, ऐसे खट से आवाज आती है। इसका अर्थ स्टार्ट किया, मीटर डाउन किया, अर्थात आपका किलोमीटर शुरू हो गया है ना।
आप ध्यान से देखिए कई जगह आपको उसमें दिखाई दे, वही फिल्म नहीं बहुत सारा फिल्म में आपको दिखाई देता है लेकिन देखते हैं नहीं, कहीं विचार नहीं करते कौन सी करता है इसे, है ना। बोलिए चलिए, अब आपको नियत भाड़ा और फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा समझ में आ गया। और कभी भी याद रखिएगा, बाहर कभी भी आप घूमने जाइएगा तो आप लोग गाड़ी पे बैठने से पहले होशियारी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग भाड़ा पहले तय कर लीजिएगा। होटल में बाहर में कभी जाने का मौका मिले खाने से पहले भी एक बार तनी रेट पूछ लीजिएगा, न तो बाद में बहुत ऐसा होटल में भाई के जब समझे में ना कि रेट के बुला के जानते क्या करेगा, कहेगा लीजिए मेनू ले लीजिए मेनू, हेलो मेनू है होटल का। आप पलटना से पहले तो होटल का विवरण पलटना शुरू कीजिए, ठीक है। अब पहला में आएगा हाँ चावल का कई गो फ्लेवर लिखा रहेगा, व्हाइट राइस, येलो राइस, दुकान राइस, दुकान राइस, आ सबका रेट अलग अलग, 90 रुपए प्लेट, 100 रुपए प्लेट, हेलो। तब दाल का फ्लेवर, ओकरो में 8-9 प्रकार के दाल लिखल रहे, सब्जी सब्जी लिखो रही कौन चीज सीधे ऊपर लिख दिए कि जैसे कि मान लो आलू का सब्जी, गोभी का सब्जी, हम लिखता है कढ़ाई 150 रुपए कढ़ाई, हेलो। तो तहरी तो कहो तो कढ़ाई लिखो रहेला कोनो कोनो होटल में, तो कढ़ाई के है तो कढ़ाई के है, तो तहरी के लग रे इतना एक कढ़ाई के मतलब है इतना, तो ओकरी कढ़ाई हेते हेते हो ओकरा को कढ़ाई कह, वो कढ़ाइये खानी रही लेकिन है तो चुप रहबे करी कढ़ाइया, हाँ कढ़ाइये में लिया के एक कढ़ाई भावने के समय है तो चुप कढ़ाई। तो ए हिसाब से तो नहीं कर नॉर्मल खाना के हिसाब जोड़ब जान तो मान लो 100 रुपये चावल, 120 रुपये दाल, एगो सब्जी के अगर दाम देख दिन तो ओकर दाम देख के तीनों के दाम जब जोड़ा था तो एक बार हम बिहार की बाप 400 रुपये प्लेट खाना हो गई, हमारे यहाँ तो 40 रुपये प्लेट में दाल भात तरकारी तीन वैरायटी का चोखा चटनी अचार सब मिले लगे ना। तो कभी भी बाहर जाए तो ये बात के ध्यान रखे हुआ कि हमने के रेट समझ के ही वो खाना से भेंट करे, ठीक बा। आ खास करके बड़का बड़का होटल में जेबे तो में यही तरह के मेनू चलेला, ये बात ध्यान रखिए, ठीक बा। चल जा सवाल पे आओ, तनी हम एगो होशियारी सीख लो। करा के एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है बाबू। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया, ठीक है। तो करा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, देखा बाबू। तो आप मान लीजिए कि माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, कर रुपया हो गया, राजी बेराजी हर हाल में देवे के बाद तू कितनो दूर जा कहो, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर मान एक किलोमीटर का भाड़ा कितने रुपया है जी, 2 रुपया, ठीक बा। आवा देख यहाँ फर्स्ट शब्द से का कहता, बगुआ कै किलोमीटर गई है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, क किलोमीटर गई हो आ क रुपया दिल 105 रुपया देलिए सर लो। तो चलो ध्यान दो, 100 रुपया तो हर हाल में देवे के बाद ना, एक प्लस हो जाए प्लस ना, आ 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगी, आ बबुआ गई बका किलोमीटर तो 10 किलोमीटर कितना हो जाए, 10 वाई, ठीक बा भाई। ए हाय तब दुलू के रेट जोड़ाई तब न पैसा दिया ही चले के, तो दुलू के जब जोड़ के पैसा दे लहन तो कितना हो गई लहन करो, 105 रुपया। देखो समीकरण बन के तैयार हो गई है, फ्रेश लिख दी झलझला। अब एक मान लो समीकरण एक, ठीक बा। सेकंड शर्त से करा है
कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कै रुपया है? 155 रुपया। ठीक बा, चलो 100 रुपया तो राजी बेराजी देवे के बा, एक्स प्लस। ठीक बा, आप 1 किलोमीटर के भाड़ा कितना हो गए? वाई रुपया। तो कै किलोमीटर जाए के बा? तो हो जी 15 वाई, या दोनों मिला के कै रुपया दिया था समीकरण। ठीक बा, देखो ये भाड़ा के हिसाब में खाली हम पड़ गई रानी हनु, पटना से हम बेंगलोर गई 2015 में, 29 अगस्त 2015 के पटना से बेंगलोर 29 अगस्त होला न। तो जान तरह से हवाई जहाज से गई रही, तो ओबे हमार 8024 रुपया लागल है भाड़ा कथी के, हवाई जहाज। आज जब हुआ 10 बजे रात के उतरनी, ठीक बा, तो वहां से एगो ऑटो लेनी हमारा जाए के सेल। हाँ, सेल में एगो जगह बा, वहां आठवां के भूगोल के किताब में चर्चा, वहां सूती वस्त्र उद्योग सेलम जाए के। तो हम कहनी अब हमारा जानकारी ना रहे, पहले पहले गई रही, तो कहनी कि के हिसाब किताब बा, तो हमरा के समझा दलस। हम उतने समझली चुकी पहले पहले गई रही, कलस की 22 रुपया प्रति किलोमीटर के भाड़ा ले हनो। तो चल गए नहीं, हम कहली चल भाई, हम गई नहीं देखे नहीं भाई, कहता साहब आप पीछे सो जाइए, हम चला रहे हैं कार रहे खूब बढ़िया। जब हुआ 2 बजे रात के, हम होटल में जब उतारता हमरा के, होटल होटल सब पहले बुक रहा हुआ, तो कहता सर अब तो सुबह नहीं जाएंगे, इस समय तो जाएंगे नहीं, तो सो जाओ गाड़ी में। तो सो गया, सुबह के जगा रहा हम, कह सर हिसाब कर दे, हमको हिसाब बना के दो। तो हिसाब बना के दे रहा है हमको सीधे 9027। और फ्लाइट से हमारे ज्यादा टाइट दिमाग बदल, पहले पहले गई रही, चूंकि रिजर्व गाड़ी जब भी होला याद रखे फंसे वाला काम हो गई, ऐसे जाहू खातिर जोड़ी और उनसे आहू खातिर। ठीक बात समझता जानू, अप डाउन दोनों जोड़ के भाड़ा ली, रोड टैक्स से जोड़ी, ओकरा बाद तेल के जोड़ी, और का का सब जोड़ जाड़ के जब 9024 रुपया सब थमावता। हम कहनी हम भाई एकरा से बढ़िया रहे कि रात भर मुंगे रह, सवेरे बस से हम चल आई, अब सवेरे पूछनी बस वाला से गुड़ा के राजी करे तो दे देनी, पूछनी सवेरे ए भाई वहां से यहाँ के आवे का भाड़ा कितना बताओ, यंत्र का कहता 450 रुपये, 9024 रुपये भाड़ा ला। अगर ओकर भाउचर आज भी हम धैले बनी कब कब देखे नहीं, तो याद पार दिन पैसा रहे। तो हवाई जहाज से गई तो 8000 में चल गई, आई कार से ले गई हो 9000 ले लो से किया हेलो, यही से देखा नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा आए कहा रे यहाँ देखिए समीकरण का समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 को हल करने पर कटत नहीं है नू आए सर, आए नंदीप सर और देखिएगा, तो एक्स प्लस 15 वाई हो गया ना, 10 वाई जैसे समीकरण एक ना है, अब बराबर कितना हो गया यहाँ पे 10 वाई को उधर ले जाए, एक्स बराबर 105 माइनस कौन चीज, एक्स का मान निकल गया ना। अब इस एक्स के मान को किसी भी समीकरण में रख करके आप लोग वाई का मान निकाल लीजिएगा, और जब एक्स वाई का मान निकल गया तो ध्यान दीजिए आपको निकालना क्या है, तो आपको नियत भाड़ा निकालना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, और साथ ही साथ कह रहा है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, क्या कह रहा है बाबू, 25 किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, तो एक्स का एक्स हो गया और जोड़ कै किलोमीटर जाना है आपको, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 25 वाई हो गया, अब दोनों को जोड़ लीजिए, जाएगा सो अपना मान भर के निकाल लीजिएगा, बन जाएगा ना, यहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है,